दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मौका है मलयालम एडिशन के रिलीज़ का। देखिए यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है मलयालम, ठीक है। मलयालम भी हम लोग के हाथ में अब आ चुका है, यानी अब हम लोग के हाथ में हिंदी, इंग्लिश, बंगला, तमिल, गुजराती के साथ साथ मलयालम भी आ चुका है। और आने वाले मंगलवार को पूरी कोशिश है कन्नड़ लैंग्वेज में भी जादू बल्ब के किताब को रिलीज़ करने का। दोस्तों आज सुबह सुबह एक बहुत दुखद समाचार मिला। हमारे प्रिय नेता यहाँ पटना से मात्र 18-20 किलोमीटर की दूरी पे, यानी गंगा के पार पटना है और गंगा नदी के उस पार हाजीपुर है। हमारे प्रिय नेता श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दुखद मृत्यु का खबर प्राप्त हुआ। बहुत दुख का विषय है। 74 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट सर्जरी के दौरान। उनके बेटे चिराग पासवान अब उनकी जो भी अधूरे काम है उनको आगे लेके चलेंगे। इसीलिए हम लोग इस घड़ी में काफ़ी शोकाकुल हुए सुबह सुबह जब हमें ये समाचार प्राप्त हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह से सोच भी रहे हैं मन में ना कि इस बिजनेस को किया जाए, एलईडी के बिजनेस को किया जाए, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा ये एक गाइड की तरह एक किताब है जो मैंने लिखी है, इस इंडस्ट्री पे लिखी है। मैं भी खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, एक मैन्युफैक्चरर किताब लिखा है। सोचिए, अपने पूरे अनुभवों को शेयर किया है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ इसकी कॉपी बिल्कुल आज ही बुक करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर हेडिंग में रहता है 9835633059 पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, किसी भी वजह से चाहे आपको कच्चा माल लेना हो, चाहे आपको तैयार माल लेना हो, चाहे आपको बुक लेना हो, कृपया कॉल इस नंबर पे मत कीजिए, आपका टाइम बर्बाद होगा। मेरा मोबाइल ऑलवेज साइलेंट मोड में रहता है और स्क्रीन भी उलट के मैं रखता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान बटे नहीं। लिखना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, ये कोई माल बनाना नहीं है कि गाना भी सुन रहे हैं, मोबाइल भी अटेंड कर रहे हैं और माल भी बन रहा है, वहाँ पे सब कुछ चलता है। लेकिन जब से मैंने कलम को उठाया है अब सारा ध्यान मेरे लेखनी में है, मेरे लेखन में है, इसीलिए कंसंट्रेशन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। जब जब मैं रेस्ट लेता हूँ मोबाइल सबसे पहले चेक करता हूँ और सीधा जाके व्हाट्सएप सिर्फ चेक करता हूँ। व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज किए होते हैं कोशिश करता हूँ 24 घंटे के अंदर उनको जरूर अवश्य रिप्लाई कर दूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है और मैं करता भी हूँ। देखिए लोगों का कॉल, लोगों का मैसेज इतना अधिक आता है कि ये संभव नहीं होता है एक अकेले आदमी के लिए कि तुरंत तुरंत रिप्लाई करता रहे, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा। मेरे साथ अगर काम करना है तो पहले एक चीज़ जानिए, काम पूरी ईमानदारी के साथ होगा, बेईमानी और ठगी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग इस काम को कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ठग रहे हैं, सरकार के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वे लोग एक ना एक दिन बिल्कुल पकड़े जाएंगे, निश्चिंत रहिए। जरूरत सिर्फ आप लोगों को सामने आने की है। आप लोग अगर ठगी के शिकार हुए हैं अपनी कहानी को जरूर मेरे व्हाट्सएप में दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ ये जो चैनल है ना संजीव वर्मा के नाम से, ये दरअसल संजीव वर्मा नाम का है, ये चैनल आपका है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए। अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय हुआ है एलईडी इंडस्ट्री में,
किसी ने आपको ठगा है, आपसे पैसा लिया है, सामान नहीं दिया है, सामान दिया है तो कम दिया है, और आपको अगर बोला है कि 2 साल इसकी गारंटी आप दे सकते हैं और वो सामान 2 महीने में ही खराब हो रहा है, तो इस बात को सामने रखिए। जब तक आप सामने नहीं आएंगे, कोई अंतर्यामी भगवान नहीं है, किसको क्या मालूम इस इतने बड़े देश में, विश्व में भारत सबसे बड़ा देश है। समझिए तो एक तरह से विश्व में भारत की जो जनसंख्या है वो चीन के बाद नंबर 2 में है, और इस देश में जो उभरते हुए लोगों की संख्या सबसे अधिक है, लोग काफ़ी मेहनती हैं भारत के, तो इसीलिए इतना बड़ा देश है। तो इस देश में कहाँ क्या हो रहा है, जब तक लोग अपनी बात को सामने नहीं लाएंगे भला कोई कैसे जान पाएगा। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई है। हम लोग के वो आइडल पर्सन हैं और हम लोग सब उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कामों को देखते हैं और उनका अनुसरण अपने जिंदगी में करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई धोखा हो रहा है तो अपनी आवाज़ को मजबूती दीजिए, कोई भी कितना भी धमकाए, क्योंकि ये जो ठग लोग हैं ना, ये बहुत आराम से धमकी देते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा और एक दिन एक वीडियो के मार्फत भी दिखाना चाहूँगा, जो इन्होंने व्हाट्सएप में मेरे को धमकी देने की कोशिश की। मैं उन लोगों को बार बार बताया हूँ, ना संजीव वर्मा डरता है, ना संजीव वर्मा के सब्सक्राइबर डरते हैं। बस संजीव वर्मा जितना मजबूत है ना, जितना हिम्मत से लड़ता है, उतना ही संजीव वर्मा के सब्सक्राइबर भी मजबूत हैं, और अगर कोई ढीला पड़ रहे हैं तो वो मजबूती है संजीव वर्मा उनमें लाएगा। मेरे वीडियो को देखिए, मेरे एक एक वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आप मेरे सावधान बैंक लोन कभी नहीं के सीरीज को एक बार देखना चालू कीजिए, विश्वास नहीं करेंगे, इतना जानकारी आपको मिलेगी ना, इतना आपको हिम्मत मिलेगा, आप किसी भी बिजनेस को कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ Volume 1 से लेके Volume 45। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी में एक और चीज़ देना चाहूँगा, ये जो सावधान बैंक लोन का वॉल्यूम है ना, एक एक वॉल्यूम 33 मिनट का है, और ये कोई वीडियो नहीं है जो आप स्किप कर दीजिएगा। मेरी बातें होती हैं और एक लाइन भी अगर आप मिस कर गए ना, तो हो सकता है बहुत कुछ मिस कर जाइएगा। इसीलिए मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि इस किताब को एक बार पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिए। इसकी कीमत मात्र 436 है, और इसमें जो भारतीय डाक विभाग का रजिस्टर्ड पोस्ट का खर्च है वो इंक्लूडेड है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कोई कच्चे बिल के साथ नहीं आता है, इसके साथ आपके नाम का पक्का बिल आपके मोबाइल नंबर के साथ आपको किताब के साथ मिलेगा। इसलिए, और दूसरी बात, लगभग मेरी कोशिश रहती है कि सिग्नेचर करके किताब दूं, काफ़ी लोगों को मैंने दी है, कुछ एक को अगर छूट जाती है तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन जब भी मेरी कोशिश रहती है तो मैं 5-10 किताब में कम से कम तो सिग्नेचर जरूर कर देता हूं। और जब कोई नया बुक रिलीज होता है ना, तो उसके प्रत्येक कॉपी में मैं सिग्नेचर करके देता हूं, वो सिग्नेचर एडिशन होता है। तो दोस्तों, मैं आपको अब एक चीज़ फिर से दोहराना चाहूँगा और हर वीडियो में बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं ये टिक्की फिटिंग मशीन, पंच मशीन, दोस्तों ये सारी रास्ते गलत हैं। शुरुआत आपको बिल्कुल, अगर इस लाइन में आपको Level 1 में आना है, तो जैसे कोई वीडियो गेम बच्चा खेलता है ना, उसके कई एक लेवल्स होते हैं, तो Level 1 को जब तक आप क्रॉस नहीं कीजिएगा, Level 2 में आप कदम नहीं रख सकते हैं। तो आइए Level 1 पे बात करते हैं। Level 1 जो है ना, बिल्कुल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नाम का कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए आपके हाथ में रेडी प्रोडक्ट होना चाहिए। और मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा
कि कभी भी किसी भी प्रकार के ड्राइवर बल्ब से मार्केटिंग की शुरुआत मत कीजिए, आपका पैसा बर्बाद होगा। मेरा अनुभव है, आप मार्केट में उतर के देख लीजिए, आपके सामने ब्रांडेड कंपनी का लाइन लगा हुआ है, आप उनके सामने नहीं टिक पाइएगा। शुरुआत जब भी कीजिए तो ये DOB वाले बल्ब से कीजिए, ये जो सबसे सस्ता, और 7 वाट के चक्कर में भी मत पड़िएगा, कोशिश कीजिए 9 वाट के चक्कर में, थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाती है, पैसे का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है 7 और 9 वाट में, क्योंकि फर्क सिर्फ 2 MCPCB में LED का पड़ता है। यहाँ पे 7 LED लगा है, यहाँ 9 LED लगा है, वाटेज पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोशनी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए कभी भी शुरुआत कीजिए तो DOB वाले बल्ब, मैंने सुपर हीरो के नाम से वीडियो उसके बारे में अलग से डाल रखी है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, वो Level 1 है आपका। लेकिन जब आप वहाँ से 1 साल जम के काम कर लीजिए, मार्केट बन जाए आपका। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बल्ब में एक खूबी है, सबसे बड़ा खूबी है कि उसकी टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। Number 2, उसमें किसी प्रकार की गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। और Number 3, वो हैंड टू हैंड कैश में बिक जाता है। ड्राइवर में गारंटी जहाँ घुसा, बस साथ में एक वर्ड और घुस गया, उसका नाम है क्रेडिट। और ये जो क्रेडिट है ना, जब क्रेडिट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं ना, और सी से एक और वर्ड है कैंसर। ये दोनों जो है ना, बिल्कुल एक है। क्रेडिट जो है सो बिजनेस का कैंसर है। एक बार जब ये आप में लग गया ना, ये एक ना एक दिन आपके बिजनेस को ख़त्म कर देगा, क्योंकि क्रेडिट वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। तो इसीलिए क्रेडिट की तरफ कभी नहीं कोशिश कीजिए, नगदी काम कीजिए। और नगदी काम करने के लिए आपके हाथ में वो सामान होना चाहिए जिसकी कोई गारंटी नहीं हो। जब गारंटी आती है तो लोग क्रेडिट मांगते हैं, सीधी बात, मांगना भी चाहिए उनको। तो इसीलिए शुरुआत Level 1 का बिल्कुल सुपर हीरो वाले 9 वाट DOB बल्ब से कीजिए। और इसका जो अलग से मैंने वीडियो बनाया है ना, उसको जरूर एक बार देखिए। सेकंड लेवल की बात करते हैं, अब वक्त आ गया है आपको अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल के वीडियो में ब्रांडिंग पे आपको थोड़ा आगे डिटेल में बात करूँ। मैं आपको बहुत सारा कवर दिखाऊंगा, डिज़ाइन दिखाऊंगा, और उसके ऊपर मैं डिटेल में टॉक करूंगा। तो कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपसे नम्र निवेदन है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलता भले हूँ मेरे चैनल, लेकिन असल में जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे ये चैनल आपका हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं वो संजीव वर्मा के तरह ही मजबूत हैं, हिम्मत से काम लेना जानते हैं, और वो मेरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और इस किताब को जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूँगा, जरूर मंगाइए, मेरे WhatsApp पे अभी मैसेज कीजिए, और मेरा डिटेल अकाउंट नंबर कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड का मांगिए, और फुल एड्रेस अपना पिन कोड के साथ दीजिए, और साथ में जरूर लिखिए कि आपको कौन सा एडिशन चाहिए, आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगला, तमिल, गुजराती या मलयालम में चाहिए। बहुत जल्द यानी मंगलवार को कन्नड़ भी आ जाएगा। इसी इन बातों के साथ संजीव वर्मा को विदा दीजिए, मिलते हैं कल के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।